आपको बताना चाहती हूँ, भेलपूरी तो मेरी सब बहनें बनाती हैं, तो ये जो भेलपूरी हम बनाते हैं तो आप देखते हो कि बहुत जल्दी गीली हो जाती है ना, तो हम खाते हैं उसी टाइम खा लेते हैं तो सही रहती है, लेकिन ज़्यादा बन जाती है और बच जाती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ बची हुई भेलपूरी से आप कैसे ये स्नैक्स बना सकते हैं। तो ये मेरी बची हुई भेलपूरी है, आपको कुछ भी नहीं डालना इसमें, सिर्फ आपको ये आलू जो हैं अगर आपके पास पड़े हैं तो वो आप डाल सकते हो, मैश करे हुए आलू मेरे पास एक पड़ा है तो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, और थोड़ी सी सूजी आपको, एक चम्मच सूजी आपको इसमें डालनी है, जितना आपका मॉइस्चर है उसके हिसाब से आप इसमें सूजी डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी सूजी इसमें, जितना मेरा मॉइस्चर रखती मैंने इसमें सूजी मिक्स कर दी है। सूजी मिक्स करके आप इसको अच्छे से मिला सकते हैं, अगर आपकी सूजी ज़्यादा डल जाती है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी या चटनी या दही एक चम्मच वो डाल सकते हैं, अगर सूजी आपसे ज़्यादा डल जाती है, नहीं तो जितनी ये गीली होती है भेलपूरी उतने ही आपको सूजी को इसके अंदर मैश करना है। मैश करने के बाद में इसमें मिक्स कर लीजिए आप, और फिर आप एक प्लेट में, मैंने ये सूजी और भुजिया का मिक्सचर लिया है जिससे कि मैं इसे कोट करूँगी। अब आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, देखो ये बैटर ऐसा तैयार हो जाएगा। सूजी डाल के आपको 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ना है, 10 मिनट बाद आप देखेंगे सूजी आपकी इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएगी, और आप इसको अपने मन चाहे आकार में इसकी शेप दे के इसके कटलेट टिक्की कुछ भी आप बना सकते हैं। ये देखिए मैं इस पर हल्का सा पानी लगाना चाहूँगी क्योंकि ये जो है भुजिया और सूजी का जो ये बैटर है ये इससे अच्छे से चिपक जाएगा। ये देखिए, और हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए ये मैंने पैन में तेल डाला है थोड़ा सा, और इसी के अंदर मैं ये सारी कटलेट जो है इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखिए आप, और ये बनकर बहुत ही अच्छे करारे बन जाएंगे। बनना काटना, जरा नंबर काटना, एक बात है कैसे काटते। ये देखिए मेरे ये कट के तैयार होकर के बन चुके हैं, ये मैं अपनी फ्रेंड को खिलाना चाहूँगी, ये खा के बताएंगी कि कैसे टेस्टी बने हैं। ये मेरी लकीली मेरी फ्रेंड मेरे से मिलने आई है, तो ये खा के बताएगी आपको कि कैसे बनेंगे। बहुत टेस्टी बने हैं, देखा मैंने कितना इजी है, और बहुत इजी है, आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलाना, सिर्फ आपकी भेल बचती है, हम बना के रखते हैं, हमसे कोई मिलने आ जाता है तो हमारी गिल्ली हो जाती है, हमसे ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाती है तो भी हमसे ये वैसे गिल्ली गिल्ली से हो जाती है तो हम खाई नहीं जाती। तो आप कितनी जल्दी, आपको इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है, सूजी सबके घर में होती है, थोड़ी सी सूजी मिक्स करिए, भुजिया नमकीन, भुजिया भी नहीं है तो आप खाली सूजी को ऊपर से कोट कर सकते हैं, थोड़ी सी सूजी डालिए, आलू भी आपके पास इसमें, प्याज टमाटर हरी मिर्च सब हम भेलपूरी में डालते ही हैं, तो है ना भैया, है ना बहनों, कितनी अच्छी चीज़, बहुत ही टेस्टी कटलेट बना है ये, आप देखिए बनके तैयार होने वाले हैं और बहुत जल्दी बनते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी कच्चापन नहीं है, सब सिका हुआ है, सब तैयार रेडी है इसके अंदर। तो ये देखिए आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन आज के समय को देखते सब हेल्थ कॉन्शियस हैं तो हम इसको डीप फ्राई नहीं करके शैलो फ्राई करेंगे। मैंने 2 स्पून चम्मच डाला है ऑयल डाला है, जिसमें मैंने ये 6 कटलेट्स बना लिए हैं, तो 1/2 स्पून ऑयल ही है हमारा जो है, ये ऑयल भी ज़्यादा नहीं लेता है, बहुत कम ऑयल में ये रेडी हो जाता है, और इसका टेस्ट वाह लाजवाब टेस्ट इसका, आप भी ज़रूर बनाइए, खुद भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। नमस्ते, थैंक यू।